जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 3/12/2020, सामाजिक विज्ञान सेकंड। हमारे अतीत भाग फर्स्ट अध्याय 5, शासक और इमारतें, जिसके अंतर्गत जैसे आपने एक नक्शे में आगरा के नदी तट भाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कि जैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है, बाग महल स्थित है, जैसे बाग महल स्थित है, वहां पर ताजमहल बाई ओर है। दिल्ली के शाहजहांबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें तो ये पता चलता है 1850 का शाहजहांबाद का एक नक्शा, बादशाह का निवास स्थान, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग या जामा मस्जिद ढूंढ सकते हैं तक पहुंच मिली? अन्य को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा था। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जन निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आधार प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र पर अपनाई गई। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। आठवीं और 18वीं शताब्दियों में एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गदशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था।
मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्मक शैली, फतेहपुर सीकरी जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तु कलात्मक वास्तुकलात्मक शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा और मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। जैसे देखिए वहां पर विजयनगर के राजाओं और गजशालाओं पर विजापुर में गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और मथुरा के निकट वृंदावन के मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। कलात्मक रूपों का वास्तु कलात्मक शैलियों का परिशेषण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तु कलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से जोर दिया और विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों के छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को ये बांग्ला गुंबज और इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतें गुजरात मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है और वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। चार में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिसमें इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया है। वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्व ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के इन स्थापित करने के लिए प्रयास किए ये शैली अपनाई। फतेहपुर सीकरी के
जोधाबाई महल महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकार स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराएं से प्रभावित हुई। 18वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए। वास्तुकला की इस शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेरा रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों को चित्रण किया गया है, उड़ते हुए पुश्ते दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नजर डालें और घंटी वाले बुर्जों का पहचानने की हम कोशिश करते हैं।